आलाकमान के इशारे पर मोदी कैबिनेट के 12 मंत्रियों ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन भाजपा में अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। ऐसे में हटाए गए मंत्रियों की नाराजगी सामने आ सकती है। इसका खामियाजा भी आने वाले चुनावों में भाजपा को चुकाना पड़ सकता है। लिहाजा भाजपा आलाकमान एक बार फिर इसकी रिकवरी में लग गया है और हटाए गए मंत्रियों को की नाराजगी दूर करने की कोशिशें जारी हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर आदि का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये लोग काबिल और क्षमतावान नहीं, यह व्यवस्था के चलते हटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले इनसे मिलें और इनके अनुभव का फायदा उठाएं। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर मिल रही है कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों का प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गौर और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं।